Ritu, I'm sorry. Ritu. I'm really sorry. Ritu. Please, Ritu, मेरी बात सुन दे. ठीक है, अब मैं कान पकड़ ली. देखो, तुम्हारी ये 7 जन्म वाले पति कान पकड़ के माफी मांगते हुए कैसे लगते हैं? देख लो. देखो, अगर देखना चाहती हो तो आंख से ही आंसू पोछो. प्लीज तो प्लीज नहीं. ओए पट्टे, ये कुड़ी ऐसे नहीं मानने वाली. टाइट वाली झप्पी भी पानी पड़ेगी. देख कुड़ी, मैंने बात बात करने का सलीका आना नहीं. अब बात करने की जब होड़क चढ़ेगी तो झप्पी भी पा लूंगा. देख भाई, झप्पी पाऊ दिल से दिल की डायरेक्ट गलना हो जाएगी. अरे तो प्लीज. देखो, पंजाब तक की पद यात्रा कर ली मैंने माफी मांगते मांगते. अब तो मुझे माफ कर दो प्लीज. देखो, यकीन कर मेरे गुस्से से मेरे मुंह से निकल गया. मेरा मतलब बिल्कुल नहीं था. सॉरी, बिल्कुल मेरा मतलब नहीं था. तुम्हारा ऐसा कोई मतलब होता तो क्या मैं अब तक जिंदा होती? क्यों ऐसी बातें करती हो तुम? तुम्हें गुस्सा आया तो मुझे डांट लो, फटकार लो. बहुत गुस्सा आया तो हाथ उठा लो. प्लीज ऐसी बातें मत करो मुझे. मैं जानती हूँ कि मुंह से निकल गया तुम्हारे, लेकिन कभी कभी मुंह से निकली बात सच हो जाती है, पता है तुम्हें? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सच होती. ये सब झूठ है. बिल्कुल बिल्कुल झूठ है. ये कभी सच नहीं होती है सब बात. अभी देखो, मुझ में तुम 1000 खामियां निकाल, पर मेरे ऊपर से भरोसा मत करो. देखो, अब यकीन करो कि मेरा फैसला गलत नहीं है. अब इस बात को ऐसे समझो कि अगर किसी और सरजमीन पर जिंदगी बेहतर खिल सकती है, जिंदगी में और रंग आके जुड़ सकते हैं, तो वहां बसने में क्या बुराई है? लेकिन सुनिए, तुम जिस सरजमी की बात कर रहे हो उस मल्होत्रा इंडस्ट्री को मैं भी जानती हूँ और तुम भी अच्छी तरह जानते हो. हाँ, मैं जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ, अच्छी तरह से वाकिफ हूँ. मैं मल्होत्रा इंडस्ट्री और मल्होत्रा फैमिली दोनों से वाकिफ हूँ. और यकीन मानो, मल्होत्रा इंडस्ट्री में कोई खामी नहीं है. खामी अगर है तो व्यक्ति विशेष. सुनिए, लेकिन अगर पापा तुम्हें मल्होत्रा इंडस्ट्री में दाखिला देंगे तो वो उनके दामाद पर एक रहम बन जाएगा. लोग शुरू में ऐसा ही कहेंगे, पर जब वो सुनील वर्मा का योगदान देखेंगे मल्होत्रा इंडस्ट्री में तो अपनी राय बदल देंगे. यकीन मानो. और फिर मल्होत्रा इंडस्ट्री के चेयरमैन मेरी कदर जानते हैं, तभी तो मुझे उन्होंने ऑफर किया है. जो अपनी बेटी के नालायक शोहर पर कोई मेहरबानी तो नहीं कर रहे हैं. और फिर कोर्ट कचहरी से कहीं ज्यादा मल्होत्रा इंडस्ट्री मेरी कीमत अगर देता है, मेरी कीमत अगर जानता है, तो अपने काबिलियत के मुताबिक थोड़ी सी दौलत कमाने में क्या बुराई है? सुनील, दौलत अपने साथ बहुत सारी अच्छाइयां लेकर आएंगी, ये गलतफहमी में मत रहना तुम. मैंने बहुत दौलत देखी है. पर मैंने नहीं देखी है ना, तो प्लीज मुझे देखने दो. और फिर मेरे वकालत का लाइसेंस जब्त थोड़ी हुआ है. वकालत तो जब चाहूं शुरू कर सकता हूं. वो तो सोचो कि हम लोग उस जगह पे छुट्टी मनाने जा रहे हैं, जो अगर अच्छी लगी तो वहीं बस जाएंगे, है ना? मल्होत्रा इंडस्ट्री को ये समझो कि मैं आजमाने जा रहा हूं, अपनाने नहीं.